नमस्कार, मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कम्युनिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम धनिया के बाजार पर चर्चा करने जा रहे हैं। घरेलू हाजिर बाजार के साथ ही वायदा बाजार में धनिया की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबारियों का कहना है कि नई फसल की आवक से पहले बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते से राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया की नई फसल की आवक शुरू होने की संभावना है और यही वजह है कि पुराने स्टॉक को कारोबारी निकाल रहे हैं। गुजरात कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले साल की तुलना में धनिया का रकबा 84% बढ़ गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों की बुआई और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में देश में धनिया का उत्पादन करीब 8,24,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में धनिया का उत्पादन 8,91,000 मीट्रिक टन था। आपको बता दें कि धनिया की बुआई अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में होती है और इसकी हार्वेस्टिंग जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलती है। वहीं अगर आवक की बात करें तो धनिया की आवक मंडियों में सामान्यतया जनवरी से लेकर अप्रैल तक होती है। धनिया की फसल की अवधि 90 दिन है। मौजूदा हालात को देखते हुए धनिया में खरीदारी करें या फिर बिकवाली, साथ ही घरेलू मांग कैसी है और अब क्या रणनीति बनानी चाहिए, आज इन्हीं से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तम एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर अशोक जैन। अशोक जी नमस्कार। मौजूदा समय में देश भर में धनिया की बुआई की क्या स्थिति है और पिछले साल की तुलना में रकबा कितना घटिया बढ़ सकता है? लास्ट ईयर से 100% डबल तो क्रॉप हो ही चुकी है। जो भी लास्ट ईयर प्रोडक्शन था उसका, जैसे गुजरात है 1,10,000 हेक्टर में था, इस बार 2,10,000 15,000 हेक्टर हो चुका है। सेम स्थिति एमपी की है, एमपी में भी रकबा डबल होएगा। राजस्थान में भी छुटपुट हर गांव में धनिया इस बार करा है, भले उसने 5 बीघा का करा है, 2 बीघा करा है, लेकिन करा है। इस बार प्रोडक्शन डबल तो 100% होगा सर। अशोक जी, इस समय देश में धनिया का स्टॉक कितना है और नई फसल की आवक कब से शुरू होने की संभावना है? सर, जो लास्ट पहले सोच रहे थे अपन कि इस साल माल कम पड़ेगा, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक जो फार्मर्स के पास निकला अभी नवंबर एंड और दिसंबर महीने में, वो शायद भ्रमित कर गया पूरे धनिया व्यापारियों को, जिससे कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो मंदी आई है उसी के कारण आई है। और आज भी कैरी ओवर स्टॉक कम से कम भी नहीं, 10 से 15 लाख बोरी कैरी ओवर स्टॉक जाएगा। नई आवक की एक रूटीन आवक शुरू हो जाएगी सर 15 फरवरी के बाद से। नहीं, वैसे तो 1-2 बोरी तो श्री गणेश गुजरात में भी हो चुका है और एमपी में भी हो चुका है, लेकिन जो रूटीन का व्यापार है वो 15 फरवरी से रनिंग चालू हो जाने की उम्मीद है। लेकिन अभी समस्या ये है ना कि अभी तो मौसम 15 अभी दिसंबर और जनवरी का मौसम क्या बोलता है वो सबसे बड़ा डिपेंड करेगा। मौजूदा समय में धनिया में बिकवाली देखने को मिल रही है, आपके हिसाब से घरेलू बाजार में धनिया की मांग कैसी है और बुआई खत्म होने तक मांग कैसी रह सकती है? नॉर्मल डिमांड है सर, सब हर आदमी घबराया हुआ है, मिलर्स हो, स्टॉक स्टोर ट्रेडर हो, इस मद्दे से हर आदमी घबराया हुआ है। कोई ज्यादा कैरी ओवर स्टॉक नहीं कर रहा है, जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतना ले रहा है और उसको मिलता रहेगा ना आने से पहले पहले उतना। अशोक जी, आपसे आखिरी सवाल है कि अगले 2 से 3 महीने में धनिया की कीमतों का क्या आउटलुक है? ऑपरेटर 10-5 रुपए की तेजी कर सकता है, बाकी इसमें कोई अभी दम बचा नहीं है। मौसम में अगर कुछ हो जाए तो कुछ अलग बात है, जैसे जीरे में हुआ अभी, अगर धनिया में भी कुछ ऐसे मौसम में फेरबदल हो जाए तो धनिया का भाव तेज हो जाएगा। अगर धनिया अनुकूल मौसम रहा, सब कुछ रहा, तो धनिया की तेजी एक खत्म हो चुकी है अभी फिलहाल के लिए। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज के अलर्ट मिलते रहें।